आई एम अ मेकअप लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स ब्यूटी। एंड आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से डार्क पर्पल स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हो गाइस इन जस्ट अ बेसिक सिंपल स्टेप। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय वीडियो, उसके नीचे छोटा सा बेल आइकन आप उसे भी जरूर प्रेस कर दे गाइस। आप मेरे आने वाले सारे वीडियो से नोटिफाइड रहेंगे। आपको ये लुक कैसा लगा सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई और भी लुक देखना है तो प्लीज ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। आई जस्ट लव टू डू इट, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो। फर्स्टली मैं लूंगी दिस एडीएस आईज एंड द लिप पेंसिल इन दी शेड पर्पल फॉर माय बेस। अब मैं इसे थिक लाइनर अप्लाई करूंगी। अच्छे से ड्रॉ कर लूंगी मैं थिक लाइनर। अब मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी। अच्छे से हमें ब्लेंड करना है, कोई भी शार्प लाइनें एडजस्ट ना रहे, अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे। हमेशा हमें ब्लेंड इनर कॉर्नर से तक करना है, अच्छे से आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और लूँगी एडीएस आईज एंड द लिप पेंसिल। अब मैं थोड़ा सा और लगाऊँगी, मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है इसीलिए थोड़ा मैं और लगाऊँगी। लगाने के बाद इसे फिर से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो ब्लेंड 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 अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, अच्छे से ब्लेंड कर ली। अब मैं एक लैकमे प्राइमर प्लस मैट आईशैडो पैलेट लूँगी। अब मैं एक टेपर्ड ब्रश लूँगी, उसी पैलेट में से एक मैं ब्राउनिश प्लस ब्लैकिश शेड, दोनों मिक्सअप शेड है, मैं लूँगी इसमें से। एक्सेस रिमूव करने के बाद मैं अपने आउटर से लेके इनर कॉर्नर तक अप्लाई करूंगी अच्छे से और ब्लेंड करूंगी। आउटर से हमेशा हमें इनर तक ही ब्लेंड करना चाहिए, सो मैं इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कोई भी हार्श लाइन या एजेस ना रहे, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड 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 कर लूंगी। उसके बाद फिर से मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सब ब्लेंड 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 करने के बाद मैं एक टेपर्ड ब्रश लूँगी, इसमें से मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सर स्प्रे करूँगी लाइट, और उसी आई शैडो पैलेट में से मैं पर्पलिश शेड लूँगी, लाइट पर्पलिश शेड में लेके मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी, मिडल ऑफ द आईलिड अच्छे से अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूँगी, अच्छे तरीके से हमें इसे अप्लाई करना है, अच्छे से अप्लाई करूँगी। अच्छे से करने के बाद अब मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इन सब कलर्स को अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ, अच्छे से ब्लेंड 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 कर लेना है हमें। अच्छे से ब्लेंड 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 करूँगी। फिर से मैं थोड़ा और कलर लूँगी, शिमरी शेड मुझे थोड़ा कम लग रही है इसलिए मैं थोड़ा सा और लेके अप्लाई करूँगी अपने आईलेट पे। उसके बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगी, मैं वही टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, अपने आईज़ को इंटेंसीफाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इन सबको ब्लेंड कर रही हूँ, फिर मैं एक क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ दिस लैकमे 925 मस्कारा, दिस इज़ द ड्यूप ऑफ दिस मस्कारा, दिस इज नॉट द रियल वन गाइस। अब मैं इस मस्कारा के अच्छे से अपने आईज़ पे 2 से 3 कोट अच्छे से अप्लाई करूँगी टू गेट द फुलर लुक। अगर आप बिगनर्स हो तो आप फॉल्स आई लैशेज नहीं अप्लाई करो, इस पार्ट को स्किप करो क्योंकि बहुत तकलीफ होती है बिगनर्स लोग को फॉल्स आई लैशेज लगाने में, इसलिए आप ऑलवेज़ मस्कारा के तरफ जाओ, मस्कारा ही यूज़ करो अगर आप बिगनर्स हो तो। फर्स्टली अगर आप कोई अच्छा से लुक अचीव करना चाहते हो तो मैं अच्छे से 3 से 4 कोट अपने दोनों आईज़ पर अप्लाई करूँगी इस मस्कारा की। दिस टेक कूल की काजल, उसे मैं अपने आईज के अच्छे से वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी टू ओपन अप माय आईज, अच्छे से अप्लाई करूंगी। करने के बाद मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके इन सबको अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी, उस काजल को थोड़ा सा लाइक स्मजी लुक दूंगी, अपने आईज के लैश लाइन पे उस कलर को अच्छे से डिपॉजिट करूंगी उसी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। ओके, अच्छे से करूंगी मैं ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। देन मैं लूँगी दिस एडीएस आईज एंड द लिप पेंसिल, उससे मैं थोड़ा सा अपने आईज़ के लैश लाइन पे अच्छे थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी,
फिर मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से सबको अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी कि मेरे थोड़ा आईज में भी कलर आ जाए। ओके, अब मैं लूँगी दिस मैक्स एंड मोर हाइलाइटर, इसमें से हाइलाइटिंग शेड लूँगी। उसके बाद मैं एक क्लीन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपने ब्रो बोन्स को हाईलाइट करूँगी अच्छे से। जैसे हाईलाइट करूँगी उसके बाद फिर मैं लूँगी एक आईब्रो ब्रश, उसके बाद मैं अपने अच्छे से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी टू गेट ब्राइट माई आईज़।